हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल को दबाना ना भूलना। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, सभी के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बात करूँगा TTM लेटेस्ट न्यूज़ और दोस्तों शेयर करूँगा रतन टाटा का 5 रुपये के आसपास जाने वाला पेन स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, अब आप बहुत लोग उसके बारे में दोबारा कॉमेंट करके गालियाँ देंगे, आई नो चलेगा। दोस्तों अभी आपको छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, लास्ट टाइम बहुत क्लियर वर्डों में कहा था फंसना नहीं है TTM शेयर में। क्यों नहीं फंसना है, बहुत तरीके से, ठीक है, बहुत तरीके से आपको समझाया था कि प्राइस एक्शन क्या होता है। 19 रुपये में एक बोला था डू नॉट बाय TTM शेयर, 10 रुपये का टारगेट दिखा सकता है और ऑलमोस्ट कल 11 रुपये का लो लगा चुका है, 10 रुपये का टारगेट भी बहुत जल्द आ सकता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टारगेट है स्टॉक के, वो आते हैं 8 रुपये और 5 रुपये के आसपास, ठीक है। ये सब ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट दिखाऊंगा कि 8 रुपये 5 रुपये क्यों आएगा, ठीक है, आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। जो पहले बोला था वो तो डन हो चुका है, अब बात करेंगे 8 और 5 रुपये क्यों आएगा। अगर उसको जानना चाहते हो, समझना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखना और साथ में लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों का रिटेल का पैसा फंसने से बचाया है। और साथ में दोस्तों, अगर आप सेम प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को फेसबुक को शेयर कर दो, ठीक है। ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में शेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको दोस्तों ये मिलेगा इस संडे को, ठीक है, इस संडे को एक क्लास लेने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उसमें पार्टिसिपेशन करना है तो इस वीडियो को शेयर करो फेसबुक में अभी के अभी, और शेयर करने के बाद करना क्या है आपको, VR स्टॉक करके हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर हमें टैग या स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ताकि संडे को जो भी लिंक होगा वीडियो का मैं आपको दे सकूँ। तो इतना काम आप करो, डेफिनेटली आपकी हेल्प मैं करूँगा। तो मैं लेके चलता हूँ TTM शेयर का लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, देखेंगे कि भैया स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों, मैंने TTM विवेक राणा सर्च मारा है, अगर आप ध्यान से देखोगे 2 महीने पहले अपडेट दिया था फंसना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे इसके ऊपर वीडियो बनाए थे मैंने, एक दो सब में मैंने ये लिखा कि फंसना नहीं है, ठीक है, ऑपरेटर का गेम चल रहा है, फंसना नहीं है। लेकिन बहुत लोगों ने मेरे ख्याल से उसमें गालियाँ भी दी थी, नीचे कॉमेंट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बोल रहे थे भैया तो रतन का टाटा का शेयर है 1000 रुपये जाएगा। दोस्तों देखिए, 1000 रुपये जब जाना होगा ना, शायद आप कैश भी नहीं कर पाओ, इतना पेशेंस आपके पास है नहीं कि 1000 रुपये के टारगेट के लिए वेट करो स्टॉक में, ये लिख के ले लो कॉपी में कहीं आप, ठीक है। तो 1000 रुपये जाना तो बात की बात है, पहले अपनी कैपिटल तो बचा लो, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या बोला था। दोस्तों अब ध्यान से सुनना वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस समय स्टॉक का प्राइस 1850 रुपये 19 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो आपको अपडेट दिया था। अभी लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा, कंपेयर करके देख लेना, ठीक है, सुनो आप। भाई देखो, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, बस आप बोल सकते हो कि पंटर लोगों ने स्टॉक को काफ़ी भगा दिया, तोड़ा दिया है, ताकि लोगों को ऊपर के लेवल में फंसाया जा सके। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसमें अब ट्रैप भी हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं चार्ट के माध्यम से कि चार्ट में क्या बन रहा है। दोस्तों देखिए, मैंने जैसे बोला कि एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला है चार्ट में। अगर आप देखोगे दोस्तों, ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल के आसपास जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो ऑलमोस्ट बहुत काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, और इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हुआ है, ठीक है। देख सकते हो वॉल्यूम, देख सकते हो कि नीचे मैंने वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम नीचे आपका 9 मूविंग एवरेज से क्रॉसओवर हुआ है, तो उसका मतलब वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हुआ है सेल की तरफ। तो डेफिनेटली अभी स्टॉक सेल की तरफ हो चुका है और काफ़ी नीचे का लेवल आपको दिखा सकता है, ठीक है। और दूसरा रीजन दोस्तों इसका, आपको बाय अभी क्यों नहीं करना हाल फिलहाल के दिनों में, उसका रीजन दोस्तों ये है कि ये स्टॉक लगातार पहले 9 मूविंग एवरेज को लेकर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, लेकिन अब ये स्टॉक 9 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर चुका है। जब कोई स्टॉक 9 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर देता है तो उसको ध्यान रखो, उसकी लग चुकी होती है फिर, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक लगातार 9 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ रहा था, तो अब डेफिनेटली ये नीचे गिरेगा, क्योंकि इसने 9 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग करी है, वॉल्यूम के साथ करी है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर वॉल्यूम भी है और एक मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज भी कर दिया है, ठीक है। तो भाई आप देखो, नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आता है 14 रुपये, जहाँ मैंने आपको बोला था कि आप बाय करके चल सकते हो, ठीक है, और 10 रुपये। अब ये जो नेक्स्ट टारगेट आपको दिखाएगा 14 रुपये से लेके 10 रुपये का टारगेट आपको आराम से दिखा सकता है TTML, ठीक है। अब कॉमेंट पे ये मत बोलना कि ये नहीं दिखाएगा, ये तो 1000 रुपये जाएगा, 2000 रुपये जाएगा, घंटा जाएगा ये स्टॉक, ठीक है। स्टॉक को अगर आपको बाय करना था तो आपको 2-3 रुपये के लेवल्स में बाय करना था, ठीक है। अब ये स्टॉक डेफिनेटली आपको 14 रुपये और 10 रुपये के लेवल मूव्स दिखा सकता है। अभी आपको एक 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 डेफिनेटली एक और मूव मिलेगी स्टॉक्स में निकलने की, वो जो मूव होगी हरा कैंडल बनेगा, वो अपॉर्चुनिटी मूव होगी एग्जिट करने की, वो बाय करने की नहीं होगी, ध्यान रख लेना। वहाँ पर आपको दोबारा एक मौका दिया जाएगा फंसाने के लिए,
ठीक है, बहुत सारे लोग वहाँ पर फंसेंगे और बहुत सारे लोग वहाँ से एग्जिट होंगे। अब डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से आपको वहाँ से एग्जिट होना चाहिए, ठीक है। आपको एक डेफिनेटली एक हरी कैंडल अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपको देखने को मिल सकती है। तो भाई डेफिनेटली आप यहाँ से एग्जिट हो जाना अगर कोई भी एक हरी कैंडल अब बनती है, अगर आपने स्टॉक को बाय किया हाल फिलहाल के दिनों में, ठीक है। हमारे जो इसमें नेक्स्ट आ गए 14 रुपये और 10 रुपये के निकल के आते हैं TTML के। तो भाई ये था आपका TTML का लेटेस्ट शेयर प्राइस। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आएगा कि हमने क्या बोला था। दोस्तों आपको मैं लेटेस्ट प्राइस एक्शन दिखाता हूँ, वो देख लिया आपने। अब दोस्तों ये देखिए, ये कैंडल था वो वॉल्यूम वाला कैंडल जो मैंने आपको बताया था। दोस्तों हमने यहाँ आपको अपडेट दिया था, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, आपको एक मूव मिलेगी एग्जिट करने की। और दोस्तों देखिए स्टॉक नीचे गया, नीचे जाने के बाद एक हरा कैंडल दोबारा बना और लगातार 3 दिन स्टॉक ऊपर गया। और दोस्तों मैंने जैसे आपको बोला था कि एक मूव मिलेगी आपको निकलने की, तो दोस्तों ये थी वो मूव निकलने की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। जो चीज़ें पहले नहीं होने वाली थी मैंने आपको प्री प्रिडिक्ट करके बता दिया था कि होने वाला है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। इस बात के लिए लाइक करो। और दोस्तों देख सकते हो लगातार भी स्टॉक नीचे आ रहा है। और बहुत बार मैंने आपको अपडेट दिया जब यहाँ भी चल रहा था 14 रुपये के आसपास, बोला था बाय मत करो, स्टॉक आपको नीचे के लेवल दिखाएगा। और दोस्तों देखिए स्टॉक ने थोड़ा सा 14 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया, ऊपर गया, दोबारा नीचे आ गया, ठीक है। क्योंकि क्यों नीचे आया दोस्तों, उसका रीज़न ये है कंपनी इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट अच्छे नहीं है। 298 करोड़ का माइनस में लॉस दिखाया दिसंबर क्वार्टर में, और अब जो लास्ट क्वार्टर है मार्च का Q1, इसमें तो और लॉस होगा कंपनी को, ठीक है। अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो 10 रुपये और 8 रुपये के टारगेट आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं। 10.5 रुपये ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, 11.5 रुपये चल रहा है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो 8 रुपये और 5 रुपये के लेवल से निकल के आते हैं। वो क्यों निकल के आते हैं मैं आपको अभी जस्ट एक मिनट बता देता हूँ क्यों निकल के आते हैं, उसके लिए मैं आपको गूगल लेके चलता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड TTML शेयर का मैंने चार्ट खोला गूगल में। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों जाएगा ये। मैं एक साल का चार्ट खोला हुआ है दोस्तों, आप ध्यान से देखना। ये आपको दिख रहा है सेप्टेम्बर अक्टूबर स्टॉक का प्राइस हमें ट्रेड कर रहा था 3 रुपये के आसपास। स्टॉक का प्राइस को 3 रुपये से ऑलमोस्ट 19-20 रुपये तक लेके जाया गया। और दोस्तों बोल देना चाहता हूँ, उस समय न्यूज़ क्या आई थी कि एक सुपर ऐप करके कुछ है इनका जो लॉन्च होने वाला है, अगर वो लॉन्च होगा डेफिनेटली इनका अर्निंग शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। वो एक र्यूमर्स था, ठीक है। उस र्यूमर्स के बेसिस में स्टॉक का जो प्राइस है ना इतना पंप किया गया, ऑलमोस्ट 3 रुपये से 19 रुपये हो गया, ठीक है। और दोस्तों ये जो सुपर ऐप था, चलो मैं मानता हूँ अगर अच्छा भी था तो इतना प्राइस में इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। 3 वाली चीज़ आपकी 19 रुपये हो गई और कंपनी के जो प्रॉफिट है वो सेम है और माइनस में जाने में लगे, तो कंपनी में अंदर बुक्स में कुछ चेंज नहीं हुआ था। बस एक न्यूज़ आई थी और न्यूज़ भी ये थी कि करेंगे सोचेंगे, लेकिन हुआ नहीं था, ठीक है। और अभी भी अटकलें लगाई जा रही है कि वो सुपर ऐप लॉन्च होगा और उस लॉन्च के चक्कर में लोग रोज़ इसको बाय कर रहे हैं। मैं बोल देना चाहता हूँ भाई, अगर उसके चक्कर में बाय कर रहे हो तो मत करो, आपको हमेशा प्राइस एक्शन का वेट करना है। और मेरा मानना है भाई अब ये जो नेक्स्ट टारगेट आपको दिखाएगा, क्योंकि स्टॉक के रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले रेजिस्टेंस था, देखो ये रेजिस्टेंस था, अब जो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पर जो सपोर्ट निकल के आता है स्टॉक का वो आता है 8 रुपये के आसपास पहला सपोर्ट। तो पहला टारगेट तो भैया मैंने आपको 10 रुपये तो बता दिया, तो आ गया अब 8 रुपये का अगला टारगेट है। फिर उसके बाद जो टारगेट होगा वो होगा ये 3 रुपये और 2 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये के बीच में अगर कभी आपको TTML शेयर दिखा दे तो चौंकना मत, डेफिनेटली वहाँ भी आ सकता है, ठीक है भाई। क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक का ऊपर पंप किया गया है उस हिसाब से डंप भी किया गया है, ठीक है। यहाँ पर तो पंप किया है, सॉरी आई मीन डम एंड पंप किया गया है यहाँ पर, ठीक है, 21 रुपये के लेवल्स में जो आपको फंसाया गया है। अब स्टॉक ऊपर तब तक नहीं जा सकता जब तक स्टॉक में अच्छी खबर नहीं आती है कि सुपर सच में लॉन्च हो चुका है और साथ में कंपनी में कुछ अंदर इंटरनल चेंजेस नहीं होते हैं। तो मेरा मानना दोस्तों ये है, अगर आपको स्टॉक को बाय करना है सबसे बेस्ट एंट्री प्राइस रहेगा, देखो भाई अगर 8 रुपये के आसपास कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो आप बाय कर सकते हो। प्राइस एक्शन का मतलब एक अच्छा खासा हरा कैंडल बने वॉल्यूम के साथ, और साथ में अगर आपको 8 रुपये पर बाय नहीं करना है तो मेरा मानना है कि 3 रुपये अगर आपको मिले ना, 3-2 रुपये, तब तो आंखें बंद करके ये रतन टाटा के पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके भूल जाओ। 2 रुपये और 3 रुपये अगर आपको कभी भी दिखे TTML शेयर, आंखें बंद करके इन्वेस्ट करके भूल जाओ रतन टाटा के पैनी स्टॉक में अगले 10 सालों के, तब आपको एक अच्छे रिटर्न देखे जाएगा। क्या बोला मैंने, 2 रुपये और 3 रुपये के प्राइस में कभी भी आपको रतन टाटा का पैन स्टॉक मिले, आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर दो, एक लंबे समय के लिए आपको अच्छे रिटर्न देके जाएगा। अगर बात करता हूँ उसकी लेटेस्ट न्यूज़ दोस्तों, तो TTML की लेटेस्ट न्यूज़ अभी कुछ नहीं चल रही है, ठीक है, नथिंग, 0 है। वेबसाइट में भी कुछ मेंशन नहीं करा हुआ, सिंपल ये मेंशन करा हुआ है कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में अपना इन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न रिवील किया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने 1 रुपये की होल्डिंग नहीं बेची है, जो थी पहले दिसंबर में वही मार्च में है, ठीक है, यही न्यूज़ थी। और साथ में बहुत जल्दी अपने रिजल्ट आउट करने वाले जो डेफिनेटली लॉस में आने वाले हैं, ठीक है भाई।
भाई इस बात के लिए वीडियो को लाइक कर दो, टीटी में शेयर को मैंने जैसे आपको बताया था वैसे ही स्टॉक ने काम किया है। 19 रुपये से बोला था, 10 रुपये आ चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट आपका 8 रुपये है, और अगर 3 रुपये मिलता है आंखें बंद करके बाय कर लेना। और दोस्तों बोल देना चाहता हूँ, जितना वीडियो को शेयर करोगे फेसबुक पर उतना आपका भी ग्रो होगा, मेरा भी ग्रो होगी। तो डेफिनेटली शेयर करने के बाद आपको क्या करना है, वीआर स्टॉकर के हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ अगर आप टैग कर दे तो डेफिनेटली संडे का जो क्लास होगी, सेमिनार होगा, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री मिल जाएगी। तो डेफिनेटली दबा के शेयर करो अभी के अभी। चलो बाय बाय। और अगर नीचे कमेंट करो अगर आपके कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे अच्छे लगेंगे, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर प्राइस एक्शन चार्ट शेयर करूँगा अपना। ठीक है।